देखिए समझ लीजिए इसको एक बार, अच्छे समझ लीजिए। उसके पहले बार तो आप समझेंगे, तो यहां पर हम लोग क्या करें कि मान लीजिए कि कर्ण का स्थिर विद्युत विभव कैपिटल वी है और उससे त्वरित त्रिविकरण की उपार्जित ऊर्जा क्या है, ईवी है। तो यहां पर ई क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश है जिसका मान क्या होता है 1.6×10⁻¹⁹ कूलम्ब, ठीक है ना, ये होता है। इसको हम लोग जो है ई का मान बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू। अब यहां पे हम लोग मान लेते हैं कि जो ईवी है वो गतिज ऊर्जा के बराबर है, किसकी, गतिज ऊर्जा के बराबर है क्योंकि त्वरित इलेक्ट्रॉन की उपार्जित ऊर्जा है ये, और ये ऊर्जा किसके बराबर है, गतिज ऊर्जा की, काइनेटिक एनर्जी के। तो ई के बराबर होता है हाफ एमवी स्क्वायर, देन ई के बराबर भी क्या हो जाएगा हाफ एमवी स्क्वायर। हम लोग पक्षांतर कर लिए इसको, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन हो गया एमवी स्क्वायर, तो एमवी स्क्वायर इक्वल टू टू की टू ईवी हो गया, वी स्क्वायर छोड़ दिए एम इसके डिवाइडेशन में चला गया, अब यहाँ पे स्क्वायर के रूट में चला गया। ये चीज जो है, ये चीज अभी आप इसको मेमोराइज की रहिए, चूंकि इसके पहले हम लोग सिद्ध कर चुके हैं डी ब्रॉगली इक्वेशन, इसके पहले जो हम लोग प्रूव किए डी ब्रॉगली इक्वेशन में लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन रूट टू एम के ई प्रूव किए, तो लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन वी, ये तो इसको भी पहले बता चुके हैं, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम वी इसको भी बता चुके हैं। तो यहां पर अब यहां पर जो वी का वैल्यू है वहां पे हम लोग यहां पर रख दिए वी की जगह और इसको तोड़ दिए रूट टाइम में, रूट टाइम में इससे ये कैंसिल हो गया, हमारा जो फार्मूला आ गया अब नया वाला लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन रूट टू ई वी एन। अब देखो यहां पर भी तरंग दैर्ध्य बराबर ये फार्मूला है, यहां पर तरंग दैर्ध्य बराबर ये फार्मूला है, तो ये फार्मूला इससे क्या होगा बराबर हो जाएगा। तो हमारा फाइनल जो फार्मूला मिला लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन रूट टू ई वी एम इक्वल टू एच अपॉन रूट टू एम के ई, सबका अर्थ पता है ये क्या है, ई वी क्या है, इलेक्ट्रॉन की उपार्जित ऊर्जा है, एम इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, के ई काइनेटिक ऊर्जा है, एच प्लैंक नियतांक है, प्लैंक नियतांक का मान इससे पहले बता चुके थे, लैम्डा क्या है तरंग दैर्ध्य। इस समीकरण को डी ब्रॉगली समीकरण कहते हैं और इसमें लैम्डा को डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य कहते हैं, डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य, ठीक है। अगर कभी आगे डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य जिसे कहते हैं तो आप इक्वेशन लिख करके बोलिए कि लैम्डा को डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य कहते हैं, ठीक है। इस इक्वेशन को, किस इक्वेशन को, इस इक्वेशन को क्या बोलते हैं, डी ब्रॉगली का इक्वेशन, ठीक है। और ये डी ब्रॉगली इक्वेशन और अनिश्चितता के सिद्धांत का संबंध है, और लैम्डा को क्या बोलेंगे, डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य। तो नई लाइन से लिख लीजिए, अतः यह डी ब्रॉगली, डी ब्रॉगली समीकरण है और लैम्डा को डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य कहते हैं, और लैम्डा को डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य कहते हैं, लैम्डा को डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य कहते हैं, समझ आ गया, लैम्डा को डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य कहते हैं, डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य कहते हैं, समझ आ गया, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपका हो गया डी ब्रॉगली इक्वेशन एंड हाइजेंबर्ग सर्किटरी प्रिंसिपल, ठीक है। होमवर्क लिख लीजिए।
देखो प्लांक का क्वांटम सिद्धांत लिखिए, प्लांक का क्वांटम सिद्धांत लिखिए, प्लांक का क्वांटम सिद्धांत लिखिए। आगे लिखो डी ब्रॉगली समीकरण और हाइजेंसबर्ग की अनिश्चितता के सिद्धांत को व्यक्त कीजिए। डी ब्रॉगली समीकरण और हाइजेंसबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत को व्यक्त कीजिए और व्यंजकों का अर्थ समझाइए और चार्ट पे काम करके आना है। अल्फा प्रकीर्णन की बम्बारी द्वारा किसकी खोज हुई, प्रोटॉन की खोज हुई थी ना। रदरफोर्ड ने किसका खोज किया था? बम्बारी द्वारा। प्राप्त ऐसे